अनुष्का राय और आप देख रहे हैं NHI न्यूज चैनल। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मामूली विवाद के बाद हुआ बड़ा हादसा, एक्टिवा वाले से विवाद ने ले ली कार वाले की जान। सीसीटीवी में दिखा खतरनाक हादसा, पलासिया थाना क्षेत्र में ट्रक के नीचे आने से होनहार इंजीनियर की मौत हो गई। इंदौर में एक युवक की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई है। दरअसल कल बनकर आई मौत ने युवक की जान ले ली है। घटना इंदौर के पलासिया थाना क्षेत्र में स्थित पत्रकार कॉलोनी चौराहे की है, जहां कैनरा बैंक के समीप एक कार चालक की कार एक्टिवा सवार युवक से टकरा गई थी। उसके बाद में दोनों में वाद विवाद शुरू हो गया और बात इतनी बढ़ गई कि नौबत हाथापाई तक पहुंच गई, जिसके चलते कार सवार युवक सड़क पर गिर गया और तेजी से आ रहे ट्रक ने युवक को रौंद डाला, जिससे उसकी मौत हो गई। मौत का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फुटेज में एक्टिवा सवार MIG निवासी विकास यादव, कार सवार उत्कर्ष विहार कॉलोनी निवासी इंजीनियर सिद्धार्थ सोनी पर आगे बढ़कर हाथ उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। बता दें कि अचानक हुई घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया और पुलिस के आने तक मृतक का लहूलुहान शव सड़क पर पड़ा रहा और लोग मामूली सी बात के बाद हुई मौत पर अफसोस जताते नजर आए। याद रहे कि इसके पूर्व भी अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में कट लगने के विवाद में दो पक्षों में झगड़ा हो रहा था, जिसे सुलझाने में पार्ट टाइम पानी पताशे का ठेला लगाने वाले नगर निगम कर्मी दरिंदगी का शिकार होकर काल के गाल में समा गए थे। इन घटनाओं को देखकर यह बात स्पष्ट होती है कि अब लोगों को सड़कों पर होने वाली छोटी मोटी दुर्घटनाओं पर लड़ने झगड़ने की बजाय सुलह का रास्ता अपनाना चाहिए, अन्यथा सड़क पर होने वाली छोटी दुर्घटनाएं कब आपको अपराध का शिकार या अपराधी बना दें कहा नहीं जा सकता। लगभग 11:30 बजे की बात है, एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें मृतक सिद्धार्थ सोनी है, तो इनकी मृत्यु हो गई। सर, इसमें जांच में ये पाया गया है, जैसा कि वहाँ के जो चश्मदीद साक्षी उन्होंने बताया कि जब मृतक अपने कार से जा रहे थे, सामने से एक एक्टिवा से एक व्यक्ति जा रहा था जिसका नाम विकास यादव है, तो ये एक्टिवा इनके जो है टकरा, कार जो एक्टिवा से टकरा गई थी, इस बात को लेकर इनकी बहस होने लगी। इनकी बहस में धक्का मुक्की वगैरह इनके आपस में होने लगी। उसी दौरान एक ट्रक निकला, तो ट्रक में जो सिद्धार्थ सोनी थे तो ऐसे गिरे, तो ट्रक का पहिया उनके ऊपर से निकल गया, जिससे उनके मृत्यु हो गई। निश्चित रूप से ये आपराधिक मानवता की श्रेणी में आता है, तो उसके तहत दोनों के ट्रक वाले और जो चालक है एक्टिवा वाला, दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कार चालक बाहर निकले अभी, सुबह भी बात है, मानो नहीं होता।